नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, सबकी कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। हम हैं हजरतगंज स्थित शर्मा चाय की शॉप पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वो प्रत्याशियों को वोट करेंगे। आप ये बताइए, निकाय चुनाव 4 तारीख को मतदान है, कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देख करके आप अपना मेयर चुनेंगे, अपना सभासद चुनेंगे? सफाई मेन मुद्दा तो सफाई है, रोड स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं, बाकी नालियाँ साफ सफाई, बस इसी मुद्दों पर चुनेंगे हम लोग। आप किस इलाके से? मैं पारा क्षेत्र से हूँ। वहाँ पे अगर हम पारा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे कौन से मेन ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए? स्ट्रीट लाइट मेन तो स्ट्रीट लाइट है, फिर उसके बाद सफाई। बिल्कुल, देखिए सफाई और स्ट्रीट लाइट बहुत बड़ा मुद्दा है और घोषणा पत्र में भी ज़्यादातर पार्टियों ने इन मुद्दों को उठाया है। आप ये बताइए कि अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो चाहे आप सफाई की बात कर लीजिए, चाहे आप स्ट्रीट लाइट की बात कर लीजिए, चाहे आप आवारा जो जानवर है उनकी बात कर लीजिए, तो कौन से मुद्दे ऐसे हावी रहेंगे इस बार और आप क्या देख के प्रत्याशियों को वोट करेंगे? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो पशु हमारे हैं ना, जैसे कुत्ते स्टिक डॉग्स वगैरह हो गए, इनका कोई केयर नहीं हो पा रहा है। प्राइवेटली जो कंपनियां देख रही हैं वही देख रही हैं। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, आप ये बताइए आपको क्या लगता है, मेयर है, सभासद है, चेयरमैन ही है, पार्षद है, बहुत सारे सीटें यहाँ पर हैं, तो कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको आपको लगता है आना चाहिए और उनको काम करना चाहिए? अभी इसमें इस समय तो काफ़ी नए प्रत्याशी उतरे हुए हैं मैदान में, अब उनके बारे में तो जब तक वो काम करेंगे नहीं तब मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन पुराने वालों में 2-4 हैं जो वापस आ रहे हैं। मतदान के मुद्दों को लेकर के देंगे आप? मतदान तो मैं ये जो पार्क बनाते हैं इनको देखभाल करें, ये नालियां बनाते हैं इनकी देखभाल करें, सड़कों की देखभाल करें कायदे से, कूड़ा हटाएं, कूड़े गंदगी, कूड़ा हटाएं, सड़कों की देखभाल करें, पार्कों की देखभाल करें। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, आप ये बताइए क्या कहना चाहोगे? अब पार्क का मेंटेनेंस होना चाहिए, जो नगर निगम द्वारा पार्क बनाए जाते हैं उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, आवारा पशु टहलते रहते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मुद्दे बहुत हैं जी। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है, और जो है मुद्दे तो हमेशा से रहे हैं, कुछ कुछ छूट जाते हैं हमेशा मुद्दे। आपका कौन सा एरिया है, कहाँ से हैं? हमारा एरिया तो हमारा गोमती नगर का है। तो गोमती नगर की अगर बात करें तो कौन से ऐसे आपको लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? अब सड़कों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको, सड़कें लगभग सुधार हुआ है सड़कों पे, गंदगियाँ कुछ कहीं जगह पे थी, कुछ साफ सफाई हुई भी है, काम हुए भी हैं, और कोविड काल की वजह से पूरी तरीके से काम तो नहीं सही से हो पाया, लेकिन अब कहना ये है सरकार का, प्रत्याशियों का भी, कि कोविड काल की वजह से उसके बाद काम जो है काम कराया जाए। पर और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। भैया ये बताओ, निकाय चुनाव है, मतदान करोगे 4 तारीख को, क्या सोच करके मतदान करेंगे? मतदान यही करेंगे, इस मारे करेंगे जो हमारे लिए काम आए, यहाँ शहर की साफ सफाई रखे आने वाले समय में, कि जिनको चुनेंगे ऐसा नेता चुनेंगे कि वो बढ़िया साफ सफाई रखें, उन्हीं को चुनेंगे। बिल्कुल, देखिए चाय की चकल्लस के साथ जनता से बात करने का अपना एक अलग मजा होता है, मुद्दे खुल करके सामने आते हैं, चाय की चुस्की के बीच यहाँ पर जनता हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में क्या सोच करके वो मतदान करेंगे। 4 तारीख को मतदान है, क्या सोचेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, घोषणा पत्र सभी राजनीतिक दल लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी देते हैं, लेकिन जो है जो सबसे मेन चीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट है, वीमेन सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ों को लेके जो है आदमी फोकस करता है। बिजली पानी सड़क की अगर हम बात करें, बिजली पानी सड़क, आप कहाँ किस इलाके को बिलोंग करते हैं? मैं गोमती नगर एक्सटेंशन। गोमती नगर में क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए? डॉग्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा हैं, स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है। आप ये बताइए भैया, आपको क्या लगता है, मुद्दे बहुत ज़्यादा है, देखिए बोलेंगे तभी तो आप मतदान तो करने जाएंगे ना, तो मुद्दा तो होगा ना आपके पास? सफाई और पानी व्यवस्था, बिजली, पानी की व्यवस्था, सफाई और बिजली। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे भाई? किस चीज़ में कह रहे हैं? निकाय चुनाव है, बिजली पानी सड़क, ये मेन मुद्दे होते हैं नगर निगम के चुनाव में, क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए अगर जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं? जाहिर सी बात है, सड़क इतनी बेकार स्थिति में है, नाली नहीं है, पानी सब सड़कों में गिरता जा रहा है, मेन चीज़ सबसे पहले तो सड़क, उसके बाद हमारे यहाँ पे ढंग के कोई भी एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप
कोई साधन व्यवस्था नहीं है हम लोग उस साइड जहाँ हम लोग रह रहे हैं कि यातायात के साधन उस साइड नहीं गए हुए हैं, उन सब पर काम करना चाहिए। और सबसे पहली जो मेन मुद्दा है वो सड़क का ही है, हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है वो पहले का। खरगापुर गोमती नगर लगता है, खरगापुर एक एरिया है, वहाँ से उन्हें जो प्रत्याशी है उनसे आप उनको आप क्या यही सोच कर अभी तक हमें यही नहीं पता है कौन है खड़ा, उन्होंने कुछ इतना वो नहीं कर रखा है, लेकिन ये है कि उनका सब अगर आपके थ्रू ये जाता है उनको तो सबसे पहले वहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छी करना। देखिए बिजली पानी सड़क बहुत हमारे घर तक जो है मेट्रो, एक्चुअली कान्हा स्टेडियम है तो वहाँ एक मेट्रो चाहिए, तो वहाँ मेट्रो जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल देखिए मेट्रो जाना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या लगता है, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, देखिए कुछ लोग बोलना चाहते हैं कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं। आप ये बताइए निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए निकाय चुनाव का जो मुद्दा है सड़क बिजली पानी और जो है सीवर, ये चार अहम मुद्दे हैं जिस पर पब्लिक परेशान है। 27 साल से भाजपा का मेयर है लेकिन आप देख रहे हैं लगातार शहर की व्यवस्था क्या है, सड़कें गड्ढा मुक्त करते करते दावे बहुत किए जा रहे हैं लेकिन कोई गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, 80% जगह पर जो है गड्ढे में लोग गुजर रहे हैं। तो लोगों का मुद्दा यही होना चाहिए, हम भी मानते हैं कि पार्टी को छोड़ करके लोग विकास के मुद्दे चुनाव लड़े। मुद्दे पर आपको क्या लगता है सर, क्या विकास के मुद्दे पर होना चाहिए? घोषणा पत्र सभी लेकर के आए जिसमें बिजली से लेकर पानी सड़क की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था थोड़ी सुधरी है पिछले 5-7 साल में, बाकी जो सड़क की व्यवस्था नहीं सुधरी थी तो उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना। आपको क्या लगता है सर, सड़कों में सुधार हुआ है, बाकी पानी और बिजली की समस्या में भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। साफ पानी बहुत कम है, थोड़ा साफ, पुराने एरिया में तो साफ है, अब नए एरिया का तो बता नहीं सकता जी। देखिए मुद्दे बहुत ज़्यादा है, देखिए जो भी राजनीतिक दल है उन्होंने इस बार घोषणा पत्र जो दिया है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि जो नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी, पानी को स्वच्छ बनाने की कोशिश की जाएगी और ख़ासतौर से जो सड़कें हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि इन मुद्दों पर जो मतदान होता है उसमें कौन सा प्रत्याशी बाजी मार कर जाता है और प्रत्याशी कितना काम करता है। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन तिथांकर गोवा के साथ अलहमरा खान।